आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद कर रहे हैं। उनका निधन 29 जुलाई 1891 को हुआ था। वे बांग्ला गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख समर्थक थे। उन्हीं के कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अस्तित्व में आया। ईश्वर चंद्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया और सन 1850 में उसके प्राचार्य नियुक्त हुए। प्राचार्य के रूप में ईश्वर चंद्र ने संस्कृत कॉलेज के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने जाति की बाधाएं हटाई और वहां सभी के लिए पढ़ाई के द्वार खोल दिए। संस्कृत कॉलेज के आधुनिकीकरण और बालिकाओं के लिए विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। इस बदलाव के लिए उन्होंने स्वयं ही पाठ्य पुस्तकें लिखी थीं। 1851 में उनका लिखा हुआ वर्ण परिचय प्रकाशित हुआ। वर्ण परिचय से पहले आरंभिक शिक्षा के लिए ऐसी कोई मॉडल रीडर पुस्तक नहीं थी। वर्ण परिचय की तरह तब तक बांग्ला भाषा में संस्कृत व्याकरण भी नहीं था। 1851 में ही उन्होंने अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण उपक्रमणिका प्रकाशित करवाई। उनकी व्याकरण कौमुदी भी व्याकरण की महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधुनिक भारत में भी ज्ञान का सागर और प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसिफ अली को भी याद कर रहे हैं। उनका देहांत 29 जुलाई 1996 को हुआ था। अरुणा गांगुली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के कालका में हुआ था। जब अरुणा ने 1928 में स्वाधीनता सेनानी आसिफ अली से शादी का फैसला किया तो उन्हें परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों और नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होते ही सरकार ने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। युवा अरुणा आसिफ अली ने 9 अगस्त को शेष अधिवेशन की अध्यक्षता की और ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। पुलिस ने अधिवेशन के लिए इकट्ठा भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। खतरे का सामना बहादुरी से करने के लिए अरुणा को 1942 के आंदोलन की नायिका माना गया। अरुणा को 1958 में दिल्ली की पहली महापौर नियुक्त किया गया। उन्हें 1997 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत की महान बेटी को आकाशवाणी समाचार की ओर से शत शत नमन। हम
हम आज स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र कुमार मिश्रा को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 29 जुलाई 1912 को हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। १९३० में सत्येंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने शराब विरोधी अभियान, वन सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें जबलपुर में कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में उन्होंने ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया। जेल में झंडे को रंगने के लिए उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली और अपने खून से भारत के तिरंगे में रंग भरा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जबलपुर में युवकों का नेतृत्व किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 18 महीने तक विभिन्न जेलों में रखा गया। सत्येंद्र प्रसाद जीवन भर लोगों की सेवा करते रहे। 4 अप्रैल 1999 को उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की आज की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।